मैंने साड़ी पहन ली है। अब मैं बिल्कुल सिंपल सा मेकअप लुक करूंगी, मतलब जैसे ऐसे कहीं जाना होता है तो मेकअप जो लुक क्रिएट करते हैं वो लुक मैं क्रिएट करूंगी। और मैं हल्का सा, जैसे कैसे कहीं आने जाने में मेकअप करते हैं या घर में कोई छोटी मोटा फंक्शन है या पूजा करते हैं तो कैसे लुक क्रिएट करना है वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले मैं थोड़ा सा ना स्टैंड को एडजस्ट कर लूँ अपने अकॉर्डिंगली, क्योंकि मुझे ये जो मोबाइल हैंग करते हैं जिसमें उसकी ग्रिप बहुत कम है। सही से अभी सही हो गया। ये मॉइस्चराइजर की क्रीम है, कोई सी भी आप यूज़ कर लीजिए। मैं बच्चों के लिए मंगाती हूँ ये, तो मैं यही यूज़ कर लूँगी। आप जो भी आप यूज़ करते हैं वो यूज़ कर लीजिए, बिल्कुल हल्का सा। तो मैं बाटलों से लगा लूंगी। मुझे, मैंने एक ग्रीन कलर का सूट पहना था जिसका एकदम क्लियर वीडियो मुझसे बहुत लोगों ने मांगा है, तो वो वीडियो मुझे, ये प्राइमर है, अभी तक मैं प्राइमर यूज नहीं करती थी बट अभी मैंने शादी में ही इसको मंगाया है। उसके बाद मुझे इसका जो रिजल्ट है ना वो बहुत अच्छा समझ में आया है। मतलब ये आपके फेस को ना जो एकदम रूखा रूखा सा ड्राई ड्राई दिखता था वो नहीं करने देता है। उसके बाद मैं बिल्कुल हल्का सा फाउंडेशन, हल्का, आज मतलब पूजा है इस वजह से, अदरवाइज मैं क्रीम ही लगा लेती हूँ, बिल्कुल थोड़ा सा, क्योंकि ये फाउंडेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए बिल्कुल। मैं प्रोडक्ट आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, प्रोडक्ट आप जो यूज करते हैं जो आपकी स्किन के लिए बेस्ट है आप वही यूज कीजिए। वैसे मुझे किसी ने रिकमेंड किया है कि कॉम्पैक्ट से अच्छा है कि आप लूज पाउडर लगाओ, तो मैं सोच रही हूँ कि मेरा कॉम्पैक्ट खत्म हो जाए तब मैं लूज में पाउडर लूँ। अगर आप लूज में लगाते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छा होता है वो फेस पाउडर, जो लूज वाला आता है ना वो। बस अब थोड़ा सा करेंगे आई मेकअप, अभी मैं कहीं गई थी और वहां पे मुझसे किसी ने बोला कि तैयार कर दो, जहां मैं जाती हूँ लोग मुझसे बोलते ही हैं कि तैयार कर दो। मैंने भी तैयार कर दिया, बहुत अच्छा लुक आया था, फोटो मैं लगा नहीं सकती वरना बहुत अच्छा लुक आया था। बट मैंने लिपस्टिक ना अपनी पसंद की, मतलब जो मैं थोड़ा मैरून में लिपस्टिक यूज करती हूँ, तो मैंने वो लगा दी थी और सच में वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। बट मुझे सामने से रिएक्शन मिला कि मुझे ये नहीं पसंद, तुम लगाया करो अपने ऊपर। इतना गंदी वाली फीलिंग आई थी ना मुझे, इतना ज्यादा बुरा लगा था ना कि मन तो कर रहा था कि शायद छोटा होता ना तो मैं उसको दो चार चांटे लगा ही देती। मैंने कहा ठीक है, उसके बाद मैंने कभी कुछ बोला ही नहीं। और अभी एक दिन भी नहीं बीता, मतलब एक दिन पहले की बात है, और दूसरे दिन से जब उनका मेकअप हुआ है, किसी और के थ्रू हुआ है या फिर मतलब मेकअप आर्टिस्ट के थ्रू हुआ है, तो मतलब उससे भी ज़्यादा डार्क लिपस्टिक या सेम लिपस्टिक परमानेंट यूज़ की जा रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी ना आदमी बोलने के टाइम ये नहीं समझता है कि किसको हम कैसे बोल रहे हैं और इससे कौन हर्ट हो सकता है। ठीक है, जो आप आउटर लाइन करते हैं ना, आउटर लाइन कभी भी बहुत डार्क कलर में नहीं होनी चाहिए, कंट्रास्ट कलर में नहीं होनी चाहिए, सेम कलर। आज मैं बिंदी सोच रही हूं कि अपने ब्लाउज की मैचिंग की लगाऊं, मतलब ग्रीन करना है, तो मैं बस हल्का सा यहाँ पे, बहुत ज्यादा मुझे कलरिंग नहीं करनी है, तो मैं हल्का सा लुक दे दूंगी। आप चाहें तो इसी फिंगर से, जो आपकी फिंगर रह जाती है उसी से मेल्ट कर लें इफ़ यू वांट, अदरवाइज बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। उसके बाद इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि मुझे बहुत पसंद है, मैं जल्दी किसी की बात का बुरा नहीं मानती, पर कभी कभी चीज़ें ना थोड़ा हर्ट कर जाती हैं। ये हो गया मेरा फाइनल लुक क्रिएट। अभी मैं, एक ही चीज़ बची है, मैं बालों में बहुत कुछ नहीं करती, बाल मेरे गीले हैं, तो मैं बस
सिंदूर में सूखा ही प्रेफर करती हूँ। ये मेरे फेवरेट इयररिंग, अभी हम शादी में गए थे तो मैंने इनको पहना था, तो मेरा भाई बोल रहा था कि क्या बीजेपी के कुछ ज्यादा ही सपोर्टर हो क्या, जिसमें कमल का फूल बना हुआ है ना, तो बोल रहा था क्या बीजेपी के कुछ ज्यादा ही सपोर्टर हो क्या, ऐड कर रहे हो। ये मेरा पूरा लुक क्रिएट हो गया। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं ये वीडियो अलग से डालूंगी, मतलब मेकअप का। अभी मुझे करनी है बसंत पंचमी की पूजा, तो पूजा के लिए हम तैयार हो जाते हैं। संस्कारी बहू टाइप लग रहे हैं ना, मेरी सासू माँ से पूछो हम हैं संस्कारी बहू। आई एम रेडी।